अपना पर्स और सब साइड में रख दो, अभी किसी चीज की जरूरत है चेक करो। जोर से आप एग्जाम करो, इतने सारे लोग आवाज नहीं आ रहा है। तमाम शेक 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 शेक। अब हाथ को आगे फेंको, मुंह से सांस लो। हाँ ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से चेक करो, हाथ को भी और सिर को भी। शोल्डर की लाइन में आगे पीछे हो जाए, आगे पीछे। हाथ की उंगली को अपनी तरफ लीजिए और पंजे से ऐसा महसूस करें कि आप पुश करें, और पुशिंग द वॉल, एक दीवार को धक्का दे रहे इस तरह से, कम ऑन पुश द वॉल। हाथ की उंगलियों को टाइट रखें, ओके ऐसे रखें। अब ऐसे आपने जो आप आगे हो जाओ, चेयर को आगे ले लो, आगे पीछे हो जाओ, मतलब आप अच्छे से करो। वेरी गुड, हाँ अच्छे से करना ठीक है। अभी सिर्फ हाथ के पंजे को रोटेट कीजिए, आपके शोल्डर में सबसे ज्यादा स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है। दिस इज द हेड क्वार्टर ऑफ ऑल योर स्ट्रेस दैट यू आर एक्यूमुलेटिंग इन योर डे टू डे लाइफ। हाँ आपको महसूस होगा, छोड़ना नहीं, करते रहिए स्माइल के साथ, मुस्कुराना नहीं बोले चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है। अब हाथ ऐसे रखें एंड मेक अ बिगर सर्कल विथ योर शोल्डर, वेरी गुड। आजू बाजू वाले के चेहरे को पोछा लगा दीजिए, हाँ उसकी तरफ देख के बोल सकते हैं मुस्कुराना है, अभी नहीं मुस्कुराएंगे तो कब मुस्कुराने वाले हैं। रिवर्स रिवर्स, वेरी गुड। हाथ ऐसे रखें ठीक है, राइट हैंड की मुट्ठी बनाइए, राइट हैंड में आपका पास है, कमॉन कमॉन छोड़ो, और लेफ्ट हैंड में आपका फ्यूचर है। टाइट मुट्ठी बना, कमॉन एकदम टाइट 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 टाइट। हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, जस्ट क्लोज योर आईज, ओके एकदम टाइट। और पास्ट की कुछ घटनाओं को थोड़ा सा अगर याद आ रही हो तो उसको टाइट पकड़ के रखो, यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव अप। आप पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते, मेरे साथ ऐसा किया, कुछ भी हो जाए मैं नहीं माफ करने वाला हूँ। मेरे बॉस ने मुझे 2010 में ये बात सुनाई थी, मैं मुझे याद रखी था। हाँ कम ऑन कम ऑन, कीप होल्डिंग योर पास्ट, छोड़ना नहीं चाहते आप, क्योंकि आपका संकल्प बड़ा स्ट्रांग है। मेरे साथ क्या क्या सासू माँ ने ऐसे बोला था मुझे, है ना, मेरे दोस्त ने ऐसा बोला था, जो भी पास किया था, कुछ और भी घटनाएं जीवन में हुई है, यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव अप, कम ऑन। अभी भविष्य में मेरा क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, कैसे क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं है, तो भविष्य को भी पकड़ के रखना है और भूतकाल को भी। वेरी गुड, आंखें खोले, हाथ ऐसे रखे, हाथ में चले, हाथ ऐसे रखे, कमॉन, हाँ मुझे पता है दर्द हो रहा है। अच्छा ऐसे ही जीवन जी रहे हो आप ऑलरेडी, वेट, बच्चे बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे। नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए स्टैच्यू। अच्छा ऐसा ही जीवन हम जी रहे हैं, हम महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमने जीवन को कितना कितना खींच दिया है, ओके छोड़ना चाहते हैं पास, यस पक्का श्योर, ओके राइट हैंड को भेजिए। अभी फ्यूचर की चिंता को छोड़ना चाहते हैं क्या, पक्का जो भी होगा देख लेंगे, बट यू वांट टू गिव अप, यस ओके रिलैक्स। हां अभी कैसे लग रहा है, इन द प्रेजेंट मोमेंट आई फीलिंग रिलैक्स्ड, यस है ना। तो ऐसे हमने जीवन को खींच दिया है पर उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, यस है ना। बहुत समय के बाद हमें कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं बोल रही मैं जो संभव नहीं है, इट इज वेरी वेरी पॉसिबल थिंग दैट आई एम शेयरिंग विद यू, यस। चलो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताइए कि जब आपको गुस्सा आता है तब आपके सांस का पैटर्न चेंज होता है क्या, ऑब्जर्व किया आपने, कैसे चलते आपके श्वास, मेरे साथ ऐसा किया देख लूंगा मैं, है ना, थोड़ी देर में आप पूरा अनबैलेंस हो जाते हो, यस। जब आप बहुत दुखी होते हैं, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर वेरी सैड, तब आपकी श्वास कैसे होती है, बहुत हेवी होती है, आप ऑब्जर्व करना। अच्छा कई बार ऐसा हुआ है कि आपके जीवन
कितने लोगों ने इस अनुभव को लिया है? होता है ऐसा बेटे तो आता हुआ क्या हमें शर्म नहीं करना, ठीक है? आप मुश्किल है खा लो बेचारे से नहीं बैठे बैठे आप इतना खुश होते हैं कि ऐसा लगता है आप कुछ कुछ नहीं ले पाते जब आप खुश हैं। आप देखो आपके श्वास कैसे, जब आप खुश हैं मीरू कर रहा है अंदर अंदर आपके श्वास कैसे चलते हैं एक लय होता है ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप खुश वर्तमान में हैं ना, कितना खुश है। देखो हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, सीनरी देखने के लिए जाते हैं, झरना देखने के लिए जाते हैं, स्लाइड जो भी हम कर रहे हैं, भगवान के मंदिर में जाके बैल बजा रहे हैं, हम जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है मन वर्तमान क्षण में आना। जैसे ही मन वर्तमान क्षण में आता है आप तुरंत उस पल को एंजॉय करते हैं, यस है ना। भगवान के मंदिर में हमारे पांच इंद्रियों को वर्तमान क्षण में लाने के लिए हमारे जो पुराने गुरु थे, पुराने जो ऋषि मुनि कितने इंटेलिजेंट थे। देखो बैल से क्या होता है, हमारे कान को वर्तमान क्षण में आता है, खुशबू आती है अगरबत्ती की हमारे नाक के लिए, प्रसाद रहता है हमारे जीवा के लिए, भगवान इतने सुंदर वस्त्र को श्रृंगार होता है, हमारी आंखों को संतुष्टि मिलती है, हमारी पांचों इंद्रियों को संतुष्टि मिलती है। पांचों इंद्रिया जब कुछ क्षण में एक जगह में होती है तब हमारा मन वर्तमान क्षण है और हम लोग उस पल में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हमारा एनर्जी बढ़ गया है। महसूस किया आपने जब भी आप मंदिर जाते हैं आपकी एनर्जी ऊपर, आपको लगता है कि बढ़ गई एनर्जी, आपको अच्छा लग रहा है, यस। तो यही कला है वर्तमान क्षण में मन को लाना, भूतकाल की बातों से मन को निकालना, भविष्य की चिंताओं से मन को मुक्ति देना और मन को बार बार वर्तमान में लाना, ये सिर्फ संभव है श्वास के द्वारा और यही सिखाया जाता है आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया 45 मिनट का ब्रीदिंग टेक्निक होता है जो हमारे पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। सब लोग श्वास ले रहे हैं उसमें भी आए बोल रहे हैं देखो तो श्वास अभी आप अगर साइंटिफिकली बात करें तो 20 साल के बाद में धीरे धीरे हमारा लंग्स का कैपेसिटी कम होने लग जाता है। अगर अभी मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हम सब लोग 30-35% अपने लंग्स की कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं, यस। अरे मैं तुम्हें एक समय मेरे साथ में, अगर आप अपने 30% या 40% लंग्स की कैपेसिटी को यूज कर रहे हो तो आपकी बॉडी का पूरा पूरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब आपके जितने भी ऑर्गन्स है उसको जितना एनर्जी जितना न्यूट्रिशन जितना उसको ब्लड का फ्लो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं। फिर धीरे 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 आफ्टर 40s हमारे जितने भी डाइजेशन है, हमारा रेस्पिरेटरी, हमारा अलग अलग अंग है उनकी क्षमताएं कम होने लगती है, हमारा लंग्स की कैपेसिटी कम होने लगता है, देन वी फील वेरी लो एनर्जी, हम थोड़ा करके भी थक जाते हैं। ये महसूस किया आपने है ना, जो आज इस बच्चे के अंदर एनर्जी है हमारे अंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर और मन के ऊपर काम नहीं किया। हम क्या करते हैं, तीन चीजें करते हैं, सोफासन, चेयर आसन जो कि कर रहे हैं और शवासन, ठीक है? ये तीन ही आसन करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए जितना हम आसन और योग करते हैं हमारे शरीर का मसल्स को स्ट्रेंथनिंग होता है और उसके बेनिफिट आप जानते हैं, मुझे बोलने की कोशिश करते हैं है ना। प्राणायाम के बेनिफिट आप जानते हैं, मुझे बोलने की कोशिश की एवरीबडी नो, सभी आप इधर आके बैठे हैं आज, योग प्राणायाम ध्यान के बेनिफिट बताने की कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है ये बात, बस एक शुरुआत करनी है और उस अनुभव को लेना है। जब अनुभव मिल जाएगा तब आप उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, यस। और क्यों करना है इसका एक और रीजन बताती हूँ मैं, जानना चाहते हैं आप? देखो आपके पास हर व्यक्ति के पास कितने घंटे हैं, भगवान ने कितने घंटे दिए एक दिन में? 24 आवर, ठीक है? और काम करने के लिए कितना है? हर दिन आपका नेक्स्ट डे का प्लानिंग रहता है, हर दिन आपको लगता है अरे यार मेरा ये काम रह गया मुझे कल करना है, थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, थोड़ा लेट उठना पड़ेगा, होता है ऐसा? मतलब आपके पास काम करने के लिए बहुत सारा है, समय आपके पास कम है और उस काम करने के लिए एनर्जी और कम है। समय को बढ़ा सकते हो, काम को कम कर सकते हो, किसको बढ़ा सकते हैं?
डी मार्ट को जाके आओ, है ना, बिग बाजार को जाके आओ, उनको बोलो 1 किलो एनर्स दे दो, संभव है क्या? 1 किलो खुशी दे दो, किसी को मिला आज तक? 1 किलो आनंद दे दो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो चीजें हमको चाहिए वो हमारे अंदर ही है, बस उसको कैसे हम उसको हम कैसे टैप कर सके उस एनर्जी को, वो कला है जीवन से नहीं कला। यस, एनर्जी का भंडार है मेरे अंदर, कुछ कमी नहीं है, बहुत एनर्जी हम सबके अंदर, ठीक है, पर उस एनर्जी को टैप कैसे करना है इसकी कला है श्वास, ठीक है। अभी एक छोटा सा प्राणायाम करें, करना चाहते हैं आप, उसका आपको खुद को अनुभव आएगा कि अरे मेरे अंदर कितना एनर्जी है। बिल्कुल आपने जो संग्राम था